दोस्तों, जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देखा है कि आज पंकज उदास जो महान गजल गायक हैं उनका निधन हो गया है, और ये बड़े दुख की बात है बॉलीवुड के लिए और सभी उन चाहने वालों के लिए कि उन्होंने जिनको उन्होंने प्यार दिया और उनको जिन्होंने प्यार दिया। एक सिंगर के बहुत सारे चाहने वाले होते हैं, एक आर्टिस्ट जो भी जिस फील्ड में भी होता है उसके बहुत सारे चाहने वाले होते हैं। मैं रिजवान खान सिंगर दुनिया जानती है, कुमार सानू का बहुत बड़ा फैन हूँ, और लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि सभी हमारे इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं हमारे बड़े हैं, हमें सबकी कदर करनी चाहिए। पंकज उदास साहब जो महान गजल गायक हैं उनके बारे में कौन नहीं जानता कि उन्होंने ये गजल कोई भूल नहीं सकता, चिट्ठी आई है बच्चे बच्चे की जबान पर अपने टाइम में जब आई होगी, और रहा और आज भी है, लोग जानते हैं उसे। अभी आप न्यूज़ पे जाइए, मैं समझता हूँ शायद उनकी सबसे मतलब न्यूज़ वाले भी चिट्ठी आई है क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत सारी गजलें और गाने दिए हैं साजन फिल्म में। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे। ये गजल गायक है और गाने भी गाए हैं इन्होंने, और मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात को सुनकर आज कि उनका निधन हो गया। लेकिन ये दुनिया की सच्चाई है, इंसान को दुनिया से जाना भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं भाई दुख तो होता ही है। और बस पंकज उदास साहब ने छोटी सी उम्र में गाना स्टार्ट किया था इंडस्ट्री के अंदर और बॉलीवुड में एक अपनी अच्छी पहचान एक मकाम बनाया। बल्कि मैं समझता हूँ जिंदगी में इंसान को अपने बल पर मेहनत से दिल से मेहनत करके कुछ ना कुछ बनना चाहिए, और बड़ा एहसास हुआ सुनकर के। जैसे ही मैं घर पे बैठा हुआ था तो मैंने फ़ोन को देखा, मोबाइल के अंदर इस धाक से पंकज उदास नहीं रहे ऐसे आया, तो मैं आपसे बड़ा अजीब सा लगा। मैं सोचा कुछ बातें अपने दोस्तों को मैं बता दूं, तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग बस हमेशा अच्छे से रहें, प्यार दें, प्यार लेते रहें। और दुनिया में मैं ये भी कहना चाहूँगा इंसान को सभी को मोहब्बत से रहना चाहिए। कुछ दिनों की ज़िंदगी है, प्यार से रहना चाहिए, नफरत से कुछ नहीं है, प्यार से सब कुछ है। और मेरी लाइन एक हमेशा होती है, और मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने सभी उन दोस्तों से, और मैं सभी उन लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि जिनका मैंने ज़िंदगी में दिल दुखाया हो, मैंने उनके बारे में बुरा कहा हो, तो मुझे माफ़ कर देना। क्योंकि एक नफ़रत जो होती है, नफ़रत से नफ़रत फैलती है, मोहब्बत से मोहब्बत फैलती है। और हमारे यहाँ ये भी रहता है कि इंसान जो नफ़रत गुस्से वाला इंसान होता है ना, उसे प्यार से अपना बना लेते हैं। तो इसलिए जो है माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो लोग भी देखते हैं जो मुझे चाहते हैं, वो लोग भी देखते हैं जो नफ़रत करते हैं। तो मैं नफ़रत वालों से बोलना चाहूँगा दिल से सॉरी। आप लोग हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और जो मुझे प्यार देते हैं उनके लिए तो ढेर सारा प्यार। पंकज उदास नहीं रहे दुनिया में, बस अफसोस की बात है। अपना ख्याल रखना, और बस इतना ही काफ़ी है।